गुजरिया तालाब के घरीकरण को नई परवाज मिल गई है। तालाब के कैचमेंट एरिया में जिन भूस्वामियों के घर हैं उन्हें प्रशासन उतनी ही कीमत में दूसरी जगह पर जमीन मुहैया कराने की तैयारी कर चुका है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही यहाँ लोगों को शिफ्ट करने के साथ ही तालाब के गहरीकरण पर वर्क शुरू कर दिया जाएगा। तालाब की जमीन की मैपिंग भी पूरी कर ली गई है, अब सिर्फ गहरीकरण का काम शुरू होना बाकी है। लेकिन तालाब के कैचमेंट एरिया में पूरी तरह से गहरीकरण का काम तब प्रारंभ हो पाएगा जब यहाँ के पट्टेदारियों को प्रशासन तालाब की जमीन से अलग कर पाएगा। उसके पहले यह काम करना मुमकिन नहीं लग पा रहा। ग्वालियर स्टेट के जमाने में पट्टेदारियों को लीज पर पट्टे दिए गए थे, बाद में जिन पर भूस्वामियों ने पक्के घर तैयार कर लिए गए। तालाब के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रशासन पूर्व में भी इस तरह की कोशिशें कर चुका है, मगर अफसोस उसमें वह कामयाब नहीं हो पाया। इस बार प्रशासन ने यहाँ रहने वाले पट्टेदारियों को उतनी ही कीमत में नई जगह देने का ऑफर दिया है। ये ऑफर यदि पट्टेदारी स्वीकार कर ले, यह निश्चित है कि प्रशासन इस प्राचीन तालाब को फिर से नया जीवन दान देने में कामयाब हो पाएगा। करीब 40 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैले बुजरिया तालाब की मैपिंग का काम लगभग पूरा हो गया है। इसमें होने वाली गहराई का पैरामीटर सिंचाई विभाग तय करेगा, उसके बाद ही इसका गहरीकरण शुरू हो पाएगा। आगे बढ़ गया, चलो ओके ओके ओके, सीधा करो पोल, सीधा सीधा पोल, पोल सीधा करो। बस बुजरिया तालाब का गहरीकरण कार्य प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन बुजरिया तालाब में जो कुछ निजी पट्टेदारों की भूमि है उनको विनिमय करके शासन दूसरी जगह इसी कीमत की भूमि दे रही है। इसके लिए हम पूरे तालाब का ये सर्वे कर रहे हैं कि भूमि स्वामी की भूमि तालाब के गहरीकरण क्षेत्र में कहाँ तक आ रही है, उसको हम नक्शे बनाकर नक्शे में चिन्हित करेंगे, उसका क्षेत्र निकालेंगे, फिर जितना क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा उसके बदले में उतनी ही भूमि हम दूसरी जगह देंगे। इसका क्षेत्रफल मालूम है आपको कितना है तालाब का? हाँ। अभी वर्तमान में चालीस आठ हेक्टेयर करीब है अभी। हाँ। और अपने जो पिछला जो था जिसपे कब्जा हो गया है? नहीं, वो क्या है, भूमि स्वामियों की भूमि है। अच्छा, भूमि स्वामी सब लोग तो वो कब्जे वाली बात इसलिए नहीं गई। कितना चाहिए अभी इसमें? वो तो जितना अपन को मैक्सिमम मिल जाए, अधिकतम जो कॉलोनियां बन गई हैं उनके अलावा जो मैक्सिमम क्षेत्रफल मिल जाएगा जिसमें पानी का कैचमेंट बन जाएगा वो सारा एरिया तालाब के अंतर्गत लिया जाएगा। अरे सर देखा जाए करीबन एक से डेढ़ महीना बचा है बारिश को। हाँ। इस बीच में ये काम निपट जाएगा पूरा? देखिए हमारा भूमि विनिमय का काम लगभग कम्प्लीट हो चुका है। अब केवल शासन से जैसे ही अनुमति आई उनको भूमि दे दी जाएगी और गहरीकरण का कार्य हमारे अधिकारियों की जो गाइडलाइंस हैं, आपकी जो स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं उनकी गाइडलाइंस हैं, जो देखने को हमको सुनने को मिल रहा है उससे उनका दो चार दिन में गहरीकरण का कार्य प्रारंभ होगा। करीबन कितनी गहराई करना है? अब ये गहराई वाला कार्य जो स्टैंडर्ड गहराई जो रहेगी एक अनुमान जब भी कम से कम दिया। नहीं पैरामीटर्स तो एरिगेशन वाले ही बता पाएंगे।